एक बार अमेरिकन एनवायरनमेंटलिस्ट क्रिस मासे ने कहा था कि हम दुनिया के जंगलों के लिए जो कर रहे हैं वह इस बात का आईना है कि हम अपने और एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं। मुंबई के पश्चिमी उपनगर गोरेगांव में स्थित आर्य फॉरेस्ट वास्तव में मुंबई सिटी के आखिरी ग्रीन लंग्स है। इस जंगल में स्कॉर्पियो और टोर्टुला की यूनिक स्पीशीज पाई जाती है। इसके अलावा पक्षियों, तितलियों, एम्फीबिया और अनेकों मैमेलियन एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं और उनमें अनेक लेपर्ड या तेंदुए भी शामिल है। आर्य फॉरेस्ट किसी जमाने में बहुत बड़े क्षेत्र में था और पर्णपाती या डिसिड्यूअस फॉरेस्ट का हिस्सा था, जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की विशेषता मानते थे। आज यह लगातार कम हो रहा है, जो अब केवल निकटवर्ती संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और पहाड़ियों तक ही सीमित रह गया है। आरे में पक्षियों की 77 से अधिक प्रजातियां हैं। यह बर्ड वाचिंग और बर्ड फोटोग्राफी के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। आज अनेकों विकास योजनाओं के चलते आरे के जंगल खतरे का सामना कर रहे हैं। हमें जंगलों को बचाना होगा और अपना लालच कम करना होगा, नहीं तो एक दिन जंगल सिर्फ बुक्स के फोटोज में रह जाएंगे या फिर सिर्फ कहानियों में सुने जाएंगे।